नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डीके यादव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। कर सकती है कौम, ये सब कुछ इंडिजिनस लग रहा है, ये फितरी लग रहा है, ये जेनुइन लग रहा है। ऐसा ही होता है पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ तो खैर ऐसा ही होता रहा है, लेकिन क्या आज के दौर में ये सब तस्लीम शुदा हो सकता है? सारे पाक हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये तमाशा मुल्क में लगा रहे और मुल्क की मुआशी सूरतहाल इस नहज पर चली जाए कि किसी को कोई परवाह ही नहीं है। उन्होंने ये भी क्वेश्चन उठाया कि ये मेरा अकेले का मुल्क थोड़ी है, या मैंने अकेले ने ठेका थोड़ी ले रखा है। बाकी जो खान साहब ने गरीब भेज दी और तुम लोगों ने मुल्क भेज दिया, मुल्क को उस दहाने पे ले गए जिसकी इंतहा कोई नहीं है। क्या ये मुल्क अब गरीब के लिए रह गया? ये है कि हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने ये कोशिश की है कि जो हमारा दरामदाद का लेवल है उसे एक तरह से फिजिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें मेरे बात साहब, कौम को तो इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए और कौम इस वक्त जो है वो महंगाई बेरोजगारी के बोझ तले इतनी दब चुकी है कि बेहिस हो गई है। बिल्कुल उनको अपनी समझ नहीं आ रही कि बच्चों को खाना कैसे देना है, बच्चों को स्कूल कैसे भेजना है, बिजली का बिल कैसे देना है, गैस का बिल कैसे देना है। एक ऐसे विश्व सर्कल में लोगों को फंसा दिया है कि उन्हें अब आप चंद दिन बाद देखेंगे, मेरे ख्याल में 2-4 हफ्तों की बात है या थोड़ा इससे ऊपर नीचे हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे, एक क्लीन चिट उनको भी मिल जाएगी। और जब से ये हुकूमत आई है, मुझे एक चीज़ बताएं, या जब से ये 72-74 बंदों की काबीना आई है, कोई एक वजीर बताएं जिसने के टेलीविजन पर बैठकर सवाए इमरान नामा पढ़ने के कोई अपनी कारकर्दगी का बताया हो, कोई बताया हो कि हमारी मईशत का क्या हाल है, कोई बताया हो कि इसको ठीक कैसे करना है, कोई बताया हो कि हमारी विजन क्या है, कोई एक चीज मुझे बता दें। लेकिन इस वक्त क्या किस तरफ लगाया हुआ है लोगों को? एक घड़ी के पीछे लगाया हुआ है, एक बच्ची के पीछे लगाया हुआ है। कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखकर टेलीविजन के ऊपर कि एक अडल्ट बच्ची, बालिग बच्ची, जो कि अपनी राय के मुताबिक जो कहना चाहे वो कह सकती है, वो एक केस यहाँ पे दर्ज हो रहा है कि जैसे उसका कोई मामू यहाँ पे रह रहा है जिसको बहुत तकलीफ हुई है और उसने वो केस दर्ज कर दिया। माजरत के साथ मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन इस वक्त जो हमारी मईशत का हाल है, इस वक्त जो हमारे पोर्ट्स के ऊपर कंटेनर खड़े हुए हैं, इस वक्त जो मतलब जो वहाँ पे जहाज खड़े हुए थे जिनको अंडर प्रेशर आके अब छोड़ना शुरू किया है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए लिए हैं, क्योंकि मेरे पास उसका शवाहद नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं। जिस तरह से अभी फीड सारी रोकी हुई थी, 22 अरब रुपए का माल एक जहाज में था सोयाबीन का, हजारों कंटेनर पोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, डॉलर्स अवेलेबल नहीं है, मार्केट में एलसीज रिडीम नहीं हो सकती कि उनको वहां से छुड़वाया जाए, अदरक लहसुन वहां पड़ा पड़ा खराब हो रहा है, मतलब चाय वहां पड़ी पड़ी खराब हो रही है। तो मुझे इसलिए मालूम है कि मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ताल्लुक है हमारे हारूनाबाद से, तो चाय के बारे में मैं पता करता रहता हूँ, हमारा वाइटल के नाम से है, मतलब उसकी मैं प्रमोशन के लिए नहीं वैसे बता रहा हूँ, 113 कंटेनर खड़े हुए हैं पोर्ट के ऊपर और वो छुड़वा नहीं सकते हम। अब आज चेक कर लें कि मुर्गी का कितना, एक किलो पे कितना कीमतें बढ़ी हैं, सही है, अंडों की कितनी बढ़ी है। अच्छा, ये बात ये कि इस वक्त हम बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि आप बैंक्रप्सी के दहाने पर हैं। वो कहां से आए, लाए उन डॉलर्स को, अल्लाह की कसम, तमाम सियासतदान, तमाम का मैं इक्तदार में बैठे खासकर लोग, ओ भाई ये कारोबारी डॉलरों में करते हैं, इनके पास डॉलर हैं, पकड़े ने जेलों में डालें, जिसके पास डॉलर है नहीं निकाल रहा, जो जो मुलव्वस है सजा दे उसे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ सियासी जंग चल रही है, मुल्क का अल्लाह हाफिज कुछ नहीं होता। क्या इमरान खान की एक गरी, जिसका खान साहब ने जिक्र किया, अगर खान साहब की गरी ना बिकती तो क्या उससे मुल्क का कर्जा उतर जाना था? क्या आपने चाइना को पैसे वापस कर देने थे, सऊदीया को पैसे वापस कर देने थे, मुत्तहिदा अरब अमारात को पैसे वापस कर देने थे? कुछ मिलता नहीं,
आटा गूंदे ही नहीं जो है, कारोबारी शख्सियत के लिए भी रह गया, नहीं रह गया यासर साहब, ये सारा एक गंध बना के रख दिया इन्होंने, इन्होंने वो काम किया जिसके मतलब आप सोच नहीं सकते। साहब आप ये देखें कि कहीं किसी मुल्क के अंदर 220 बिलियन डॉलर का सिर्फ 35 दिन पे मुहित एक वर्ल्ड कप होता है, और कहीं पे हम 2-3 बिलियन डॉलर के लिए कशकोल उठाए मारे मारे पर। वो इसलिए कि हमें आदत पड़ गई है, हम अपने खराजात पे काबू कर लें, खुदा की कसम किसी चीज की जरूरत ना पेश आए, लेकिन क्यों करें, क्यों करें, क्योंकि ये मुल्क हमारा नहीं है, हम इक्तदार में बैठे हैं लूटने के लिए, हम इक्तदार में आएंगे खाने पीने के लिए, हमने मौजे वज़रा की इतनी बड़ी तादाद बना दी है, जिन्हों का हर कोई नहीं पूछता ना, पंजाबी में बताऊं, जिसके घर में कोई नहीं पूछता ये मशीर फलाएं जी, ये इसको दर्जा इसको फला, मत मुझे एक बात बताएं, जो लोग इलेक्शन हारे हैं पंजाब असम्बली में, उनको आप किस हैसियत से, किस हैसियत से आप उन सबको बुला बुला के अहदे दे रहे हैं, क्या किया उन्होंने, इसलिए कि जनाब आप चाहते हैं आने वाले लेक्चर में हमारी पोजीशन बन जाए, मुल्क की पोजीशन नहीं बनानी, मुल्क का मुस्तहकम नहीं करना, मुल्क के मौशी हालात बेहतर नहीं करने, उन लोगों को नवाज दो, बांट दो अंडा मुंडे रोटियां मुरमुर अपने कार, ये हिसाब हो चुका है यासर साहब, पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी देखकर पैसा भेजना चोर रहे हैं, यहां पर चले एक दिन ना, हम चलते शराब सदगान के इलाके में चलते हैं, जाके देखें वहां क्या हाल है, कोई सियासतदान कर रहा बात उस पर, वजीर अजम साहब चाबियां दे रहे हैं चंद लोगों को, वो भी वजीर अजम हाउस के अंदर या किसी तकरीब में, वहां जाना गवारा नहीं है, जहां मच्छर, जहां सर्दी, जहां भूख, जहां अफलास, जहां बच्चे मर रहे हैं, पीने के लिए गंदा पानी है, रहने के लिए पानी नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, रात को ऊपर कपड़ा लेने के लिए जगह नहीं, और कपड़ा नहीं है, कंबल नहीं है, ये मुझे कह रहे हैं इनका पेट्रोल बंद करें, अफगानिस्तान ने किया ना, करें पेट्रोल पंप तमाम तमाम तरफ, जो आपने बाहर से कर्ज लिए हैं उनकी वापसी जो है रीपेमेंट जिसे कहते हैं वो आप कर सकेंगे या नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त हमारी पोजीशन उस लिहाज से क्या है। अब देखिए मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब नया साल का आगाज हुआ था जो रवा साल है, हमारे रिजर्व्स का लेवल जो था वो तकरीबन 9.8 अरब डॉलर था, जो खुद काफी कम था जी, मगर अब वो गिर गिरा के 6.7 अरब डॉलर पे आ चुका है। बिल्कुल ऐसे ही अब इसके वजह से तकरीबन आप देखिए कि 3 अरब डॉलर से ज्यादा की कमी आई है। अब ये लेवल क्या है रिजर्व्स का? हमारा जो हर महीने जो दरामदाद हम करते हैं और जो हम पेमेंट करते हैं अपने कर्जों की वापसी की, वो मिला लें तो तकरीबन ये बनता है कुछ 8 अरब डॉलर के करीब जी। यानी कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक पूरे महीने के जो तिजारती खसारा है और उसके साथ साथ उसकी पेमेंट आप कर पाए। तो इसलिए मसला ये है कि हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है रिजर्व्स के लिहाज से एक महीने के कवर से नीचे गिर चुका है, इंपोर्ट कवर खासतौर पे। ठीक, तो इसलिए पोजीशन बहुत परेशान कुन जरूर है और अच्छी बात है अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने सुकूक बॉन्ड की फुल पेमेंट की है और साथ साथ कुछ 500 मिलियन डॉलर AIIB से आए जी। मगर उसके बावजूद आप देखें कि पिछले दिनों जो कमी है उसका सिलसिला जारी रहा है। बिल्कुल ठीक। और LCs का जो मूवमेंट है उससे वो कंट्रोल में रखें। और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हजारों कंटेनर इस वक्त कराची पोर्ट पे खड़े हुए हैं इसलिए कि वो पेमेंट अभी तक तय नहीं हो पाई। अब मसला यह है कि आपने यकीनन इस तरीके से आपने अपने तिजारती खसारे को काफी कम किया है। नमस्कार दोस्त जहन। दोस्त पाकिस्तान जिस तरह से बार बार कंगाली का नाटक कर करके दुनिया से भीख इकट्ठा कर लेता था, वो अब की बार पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया खुद क्राइसिस से गुजर रही है, जो कि पाकिस्तान को भीख भी नहीं मिल पा रही। पाकिस्तान के लिए इतने ज़्यादा डॉलर की आवश्यकता है कि पाकिस्तान
चाहकर भी पूरे नहीं कर सकता। पाकिस्तानी हुकूमत चाहकर भी भीख नहीं उठा पा रही है कहीं से। पाकिस्तान का हालत यह हो चुका है कि पाकिस्तानी के कराची पोर्ट पर सब्जियों के हजारों कंटेनर खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत डॉलर ना होने की वजह से पेमेंट भी नहीं कर पा रही, क्योंकि पाकिस्तान को बाहर से इम्पोर्ट के लिए डॉलर चाहिए जो कि पाकिस्तान के पास है नहीं। पाकिस्तान इस तरह से परेशान हो चुके हैं पाकिस्तानी कि पाकिस्तान में लोगों के लिए सब्जियां भी खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान टेक्निकली तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रही है कि पाकिस्तान ने अभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए हालात और ज़्यादा बिगड़ते चले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को IMF से पैसे भी तो लेने हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।